यमराज के रूप में एक बार फिर से 26 जुलाई जैसा मंजर सांगली कोल्हापुर सतारा में देखने को मिला। हम आपको बता दें कि चारों तरफ पानी ही पानी जैसा मंजर देखने को मिला, जहां पर आप देख सकते हैं कि सांगली कोल्हापुर सतारा के रहवासियों में एक भय का माहौल देखने को मिला। विशेष तौर पर एनडीआरएफ की टीम, सेना के जवान और कई दलों के लोगों ने वहां पर राहत कार्य पहुंचाने का पूरा जिम्मा लिया। आप देख सकते हैं कि सभी को बचाने के लिए वहां पर जो एनडीआरएफ की टीम है, जवान हैं, सभी को सुरक्षित इस बाढ़ से निकालते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर पूरे देश में आज सांगली कोल्हापुर सतारा में जो आज बाढ़ पीड़ित हैं, उनके लिए सभी सामाजिक संस्था, कई राजनीतिक दल और कई ऐसे बड़े संगठनों ने हाथ बढ़ाया और लोगों के मदद कार्य करने की शुरुआत की। आप देख सकते हैं कि किस तरह वहां पर जो बाढ़ से पीड़ित हैं, उन्हें वहां एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है। इसी तरह हम आपको बता दें कि भिवंडी पूरब के जो आमदार हैं रुपेश मात्रे, 13 जुलाई को उन्होंने इसी तरह से बाढ़ पीड़ितों के लिए उन्होंने भिवंडी से मदद भेजी थी। इस बार फिर से रुपेश मात्रे आज हमारे चैनल से वार्तालाप किए। उन्होंने कोल्हापुर सांगली सतारा में आज फिर से राहत यानी कि मदद के लिए वहां पर लोगों को यहां से खाने पीने का पदार्थ भेजते हुए नजर आए। अब रुपेश मात्रे ने सांगली कोल्हापुर सतारा में जो बाढ़ आए हैं उसको लेकर उन्होंने खेद जताया और बाढ़ पीड़ितों को एक बार फिर से राहत मदद वहां पर पहुंचाने का कार्य किया। देखिए इस खास रिपोर्ट को। सबको मालूम ही है कि पिछले 8-10 दिन से महाराष्ट्र पे जो आसमानी संकट आया हुआ है, क्योंकि बाढ़ की वजह से वहाँ जो पीड़ित लोग हैं, वो पीड़ित लोगों को 7 से 8 दिन वहाँ पानी भरा रहने की वजह से जो साधन सामग्री या जीवनावश्यक जो बातें हैं वहाँ पूरी तरह से मदद पहुँचाने का काम शासन के माध्यम से भी हो रहा है। लेकिन फिर भी हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम मानवता की दृष्टिकोण से उन सबको मदद करने का और उनको धैर्य देने का काम हम सबको करना चाहिए। वो काम जहाँ से भिवंडी भी कहीं पीछे नहीं है, क्योंकि देश से राज्य से हर जगह से वो मदद हो रही है, लेकिन भिवंडी में इनका भी सहयोग योगदान जो है उसमें होना चाहिए। वो हिसाब से पिछले 13 तारीख को भी एक गाड़ी भर के वहाँ भेजे थे और वहाँ जाके उन लोगों को धैर्य देने का काम, वहाँ जाके सभी कैंप जो है वो कैंप को भेंट देकर उन लोगों को सही तरीके से पूरा साधन सामग्री मिलता है या नहीं, उन लोगों तक बाकी चीज़ें पहुंचती या नहीं, वो देखने का काम किया गया। आज भी यहाँ से एक ट्रक भिवंडी के तरफ से वहाँ भेजा जा रहा है। हमारे यहाँ के सभी कार्यकर्ता है, मोहन जी पठारे वैसे सभी लोग जो है अपने अपने तरीके से जितना हो सके उतना मदद करने का काम कर रहे हैं। मानवता का दृष्टिकोण जो है, इसलिए दृष्टिकोण से हमें ऐसे संकटों को सामने जाने का प्रयास करना चाहिए और ऐसे संकटों से उभर कर फिर से अपना जनजीवन ठीक से करने का काम करना है। ये धैर्य देने का काम भिवंडी भी हमेशा करती है। इसके लिए मैं भिवंडी वासियों का भी यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जनता की आवाज टीवी न्यूज़। धन्यवाद।